हेलो एवरीवन वेलकम टू इंजीनियर्स वाला कैसे हैं आप सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आज मैं आपसे सेशन में करने वाला हूं कि सीबीटी टू की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है पिछले कुछ दो तीन दिनों से जब से पेपर हुआ है और उसके बाद जब से आंसर की आई है या एक्चुअल क्वेश्चन सामने आए हैं तो पूरी पिक्चर ही बदल गई है पूरी सिचुएशन ही चेंज हो गई है जैसा कि एनालिसिस के टाइम पर लगा था और बच्चों से मेमोरी बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन एकदम सेम पैटर्न ही चल रहा है जो अभी तक चला आया वही पैटर्न चल रहा है लेकिन जब एक्चुअल क्वेश्चन हमारे सामने आए तो देखा कि पूछने का जो तरीका था क्वेश्चन का वो थोड़ा सा घुमा दिया गया था इस वजह से नंबर ऑफ अटेम्प्ट बच्चों के बहुत कम हुए तो हमारे जितने भी फैकल्टीज उनके टेलीग्राम चैनल पर सबके टेलीग्राम

पेपर को देख में थोड़ा हड़बड़ाड़ गए होंगे थोड़ा घबरा गए होंगे और उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन अटम्प कर लिए होंगे विद लेस नंबर ऑफ एक्यूरेसी इस वजह से अब मुझे लगता है क्लियर पिक्चर आप लोगों के सामने रख देने की रिक्वायरमेंट है यह सही समय है जहां पर इतने सारे स्टूडेंट जिन्होंने पूरे साल मेहनत करी थी और अब वो काफी डिमोटिवेट फील कर रहे थे इस सेशन से आपको थोड़ा सा मोटिवेशन देखने को मिलेगा कि आप अकेले नहीं हो इस रेस के अंदर आपके जैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उसी मार्क्स की रेंज के अंदर लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी टाइम जो अपनी प्रिपरेशन है सीबीटी टू की प्रिपरेशन बिना किसी बिना किसी डेरी के स्टार्ट कर देनी है ठीक है और जो पोल के थ्रू हमें डेटा मिला उसमें इंटरेस्टिंग डेटा एक एक बताता हूं कि जितने स्टूडेंट अगर मैं बोला, बोल रहा हूं एक मार्क्स से प्लस मैं यहां बात स्पेसिफिकली एक बार सिविल की बात कर रहा हूं लेकिन इस एनालिसिस से इस एनालिसिस से आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे जो हैं वो भी इससे अंदाजा लगा सकते हैं लगभग रेशियो वैसा ही चल रहा है ठीक है तो अगर ग्रेटर देन प्लस बात करी तो वहां पर सर हमारे पास सिर्फ बीस से पच्चीस परसेंट बच्चे ही थे ओनली ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट बच्चे ही ऐसे थे जो कि एक सौ दस नंबर से ऊपर क्रॉस कर रहे थे मेजर स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट नब्बे से सौ मार्क्स के बीच में लगभग लगभग यहां देखा जाए तो फिफ्टी एट स्टूडेंट जो थे वो हमारे पास 90 से 100 की रेंज में थे और यही एक मेजर रेंज है, हो, 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 है जहां पर मैक्सिमम लगभग देखो सिक्सेंट बच्चे तो कट ऑफ आपकी एक से प्लस चली जाए या एक से प्लस चली जाए ऐसा जनरली आप पॉसिबल नहीं जब मेजर स्टूडेंट के मार्क्स रेंज में आ रहे हैं क्योंकि लोगों ने जब मेमोरी बेस अटेम्प्ट किया था तो किसी ने 190 भी अटेम्प्ट कर लिया था लेकिन उसके बाद 60 से 70 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट भी कर दिए तो ओवरऑल मार्क्स से मतलब होता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट से थोड़ी होता है आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट एक्यूरेट होंगे तब आपके मार्क्स बेटर होते हैं ठीक है तो सिक्स टू सेवेंटी क्वेश्चन गलत कर रहे हो या फिर काफी इनकरेक्ट का जो पोर्शन था वो बहुत ज्यादा था क्योंकि रीजनिंग लेंदी थी टेक्निकल थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया बहुत सारे सारीजन्स हो सकते हैं तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक जो डीमोटिवेट फील कर रहे थे ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्योंकि आपको अब थोड़ा सा अंदर एक रे ऑफ होप जगानी है एक उम्मीद की किरण जगानी है कि सर अगर आपके जितने भी स्टूडेंट मैं बता रहा हूं अगर जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो ई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर एस सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इन सारे स्टूडेंट्स अगर आप लोगों के नाइन्टी से ऊपर नंबर आ रहे हैं फ यू आर स्कोरिंग मोर देन 90, 90 या 90 से ज्यादा स्कोर कर रहे हो तो आप सीबीटी टू के लिए एकदम सीरियस होकर तैयारी करना है, स्टार्ट कर दो अगर मैं सिविल इंजीनियर की बात कर रहा हूं और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में भी जो भी आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई गई थी उसे चार पांच नंबर थोड़ा सा कम करके आप अपने आप को सेफ मान सकते हो जैसा एनालिसिस बता रहा है सिमिलरली यहां पर अगर जो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं अगर आप लोगों के 95 से 100 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आप सी 2 को तैयारी कर सकते हो ये बाउंड्री स्कोर बता रहा हूं तो सी 2 की सीरियस वे में तैयारी स्टार्ट कर दो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं कि सर वो अभी ऐसा फील कर रहे हैं कि हम बिल्कुल रेस से बाहर हैं हमारे उस पर सिक्सटी मार्क्स भी नहीं आ रहे अगर आपके सिक्सटी मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं सी बी के अंदर तो आपको ध्यान रखना है कि लाइफ में भी और अपॉर्चुनिटीज़ बाकी हैं जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डी डी भरा होगा तो डी भी एग्जाम चली रहा है इसके अलावा जम्मू कश्मीर का एग्जाम की डेट अभी आ चुकी है नवंबर के अंदर है इसके अलावा बहुत सारे राजस्थान में बहुत सारे, सारे अपॉर्चुनिटीज तो आपका वेट कर रही है अपनी प्रिपरेशन को आपको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना यहां पर हां ठीक है एक दो दिन का आप रेस्ट ले सकते हो लेकिन उसके बाद वापस शुरू हो जाओ और अपने जो कमियां रह गई थी इस साल पूरी प्रिपरेशन के अंदर उसको पूरा भरपूर करो कमियों को बिल्कुल दूर करो वहां पर ठीक है और इस इस मोमेंट पर आपको डीमोटिवेशन या किसी तरह के डिप्रेशन या एंजाइटी से बचो क्योंकि यहां पर देखो सक्सेस और फेलियर चलता रहता है ठीक है एक बार स्कोर नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है हो सकता है उस दिन आपका दिन आपका खराब होगा ठीक है ऐसा नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ही खराब थी तो यहां पर आपको अपने आप को मोटिवेट करना है सेल्फ मोटिवेट करना है और आगे बढ़ते रहना है और नेक्स्ट वैकेंसीज को टारगेट करना है लेकिन जितने भी एस एस सी जे दो हजार तेईस सीबीटी वन के स्टूडेंट्स हैं उन सबको टारगेट करना है जो भी उनके लिए मैंने एक सेव स्कोर यहां पर बता दिया है अगर आप इस स्कोर से ऊपर या इसके लगभग आप स्कोर कर रहे हो तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल पूरे जोश से करो तीस से चालीस दिन आपके पास बचे हैं चार दिसंबर को एस का सीबीटी टू का पेपर है बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न का पेपर है पहली बार सीबीटी के फॉर्म में हो रहा है ठीक है किसी को कुछ भी नहीं पता है तो यहां पर आप एक एडवांटेज ले सकते हो क्योंकि जब सारे स्टूडेंट एक ही लेवल पर आ जाएंगे जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहा है उसके लिए भी पहला ही हो गया जो तीसरी बार अटेम्प्ट कर रहा होगा तो वो भी इस पैटर्न में पहली बार ही अटेम्प्ट कर रहा है तो अब आप सब एक ही लाइन पर आ गए हो एक ही ग्राउंड पर गए हो तो कॉम्पिटिशन एकदम बराबर हो चुका है तो आपको किसी तरह की कोई भी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है एकदम फोकस होकर तैयारी करो और इंजीनियर्स वाला की पूरी टीम आप लोगों के साथ है हमारा पूरा मोटिवेशन जो सपोर्ट है वो बिल्कुल आप लोगों के साथ रहेगा ठीक है थीके? अब थोड़ा सा आप चेल कर सकते हो थोड़ा सा अपने आप को एक स्माइल से इस प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हो थैंक यू सो मच